के लिए उठा दिया बॉल, कलेक्शन अच्छा, गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन, शानदार छक्का निकालते हैं इस बीच से। इटली स्टार बल्लेबाज की टीम को हरा के राज उत्साहित करते मैच। देखिए किस प्रकार से जो क्राउड है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मैच का जो जैसन है, जीत का जो जैसन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो खुशी होती है मैच में वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के कितना थोड़े क्षणों में देखते रहे और शेयर करते रहे, ज्यादा ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहे इसी गांव से है, और पेज को फॉलो जरूर कर ले साथियों। अगले मैच शुरू हो गया, नोटिफिकेशन के लिए ये गेंद खेला गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन, नदीम सामना करेंगे, शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर सिकंदर खान एक बार फिर से तैयार है, और नदीम भाई धनोनी इस बार है ट्रेडमार्क शॉट खेला, वहां मोदी धनी गेंद बाउंड्री के बाहर जी मार दिया, वहां एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, और एक और शानदार शॉट बाहर नदीम भाई के बल्ले से, पीछे का खिलाड़ी मोदी धनी गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन, दसवें बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, बाउंड्री के विकेट अपने टीम के लिए, और ट्रेडमार्क शॉट बाहर नदीम धनोनी के बल्ले से, किसी छह रनों के लिए अंतिम गेंद पर छक्का लगा दिया, गेंद और किस्मती देख रहे के लिए पहली गेंद डालेंगे, और इस बार निकलता हुआ पहली गेंद पर छक्का नदीम भाई के बल्ले से, और गेंद सीधा गाड़ी के ऊपर, नुकसान होता हुआ वहां पे तैयार, वहां एक बार फिर से, और एक बार एक और दिन दिला था छक्का, स्क्वायर लगा बाहर के ऊपर से, दूसरी बाउंड्री छह रन, अजीत खान जी हां भाई गेंदबाजी की थी, अगर एक गेंदबाज उनको एक आधा ओवर अच्छे से निकाल पाते हैं तो प्रेशर में होगी नेबास की टीम, लेकिन वो कार्य नदीम करते हैं इस बार, लीजिए ये बॉल उनकी, और इस बार उठाया और गेंद सीधा हाथ में, नदीम भाई का विकेट मिलता गेंदबाजी करते हुए उसका ठिकाना नहीं है, इस बार पूरा की टीम का बहुत ही अच्छा कैच लिया हुआ फील्डर ने, और बधाई देते हुए वहां उस फील्डर को, ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो नदीम का विकेट ही ला सकते हैं, और वही कार्य करते वही हुए, और नदीम भाई जरूरी पहुंच चुके हैं अभी, और तीन गेंदे साथ थे और तीन गेंदे अभी डाल चुके हैं, 78 रन अभी तोड़िया, एक बार फिर से लीजिए नदीम फिर से और लेकर आते हुए, अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल थी, शानदार सीधा विकेट के ऊपर गया, इसके बाद दो ओवर का गेम बाकी और है, और शानदार गेंदबाजी, अभी तक चार गेंदे निकाले, चार डॉट निकाले, 14 गेंदों में 21 रन की जरूरी अभी जीत को, एक बार फिर से तैयार गेंदबाज नदीम सामना करेंगे बल्लेबाज, 20 रन जीतने के लिए 13 गेंदों में टीम को जीत के, और बल्लेबाजी के लिए अबीद पहुंचे हैं, अब अयूब सामना करेंगे, अयूब ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तीन ओवर का स्पेल किया था, नदीम का विकेट लिया, अब गेंदबाजी के लिए तैयार है फिर से नदीम, फिर से तैयार अनिल मीणा, और आखिरी मैच में अतीत जाधव साहब तोहफे के सामने गेंद और उठा दिया, शॉट है नीचे, खिलाड़ी चनाथ है, लेकिन देखते हैं क्या कर पाते हैं, गेंद आता और यहाँ पे कैच आउट, विकेट मिलता है यहाँ पे नेबास को, शानदार मुकाबला होता हुआ, और छक्के के चक्कर में विकेट का पतन, एक और विकेट, खान पहुंचे बल्लेबाजी के लिए, बॉल उनके लिए, उठा दिया बॉल, कलेक्शन अच्छा, गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन, शानदार छक्का निकालते हुए इस बीच से, देखिए मैच की स्थिति में पहुंचा है, यहाँ से एक बॉल धंदूरी के एक बॉल पे यहाँ पे जवाहरपुरा के पक्ष में मैच, और दूसरी बॉल पे जाता है तब नेबास के पक्ष में, शानदार मैच बनता हुआ यहाँ पे, इस टूर्नामेंट का पहला बेस्ट मैच है जो रोमांचक स्थिति में पहुंच रहा है, अभी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरी, और अभी शानदार छक्का, 10 गेंदे 14 रन जीतने के लिए शानदार छक्का लगाया है रहमान ने, शानदार, एक बार लो स्कोरिंग मैच था लेकिन इतना रोमांच से भरा हुआ मैच शायद इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा, ये पहला मैच है जो इतना रोमांच स्थिति पहुंचे, दर्शक क्राउड अच्छा, शानदार दर्शक पहुंचे हैं काफी संख्या में, और ग्राउंड के बाहर चारों तरफ दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो रही है,
और क्यों ना हो एक स्टार बल्लेबाज नदीम हमारे बीच में उनको देखने के लिए। चेयर पे बैठ के अच्छे से यार एंगल। एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए तौफीक। सुनो चेयर पे बैठ के बंद ले, चेयर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के बंद ले, खड़े हो गए लोग भी बंद ले, चेयर बैठ के बंद ले, बड़ी खड़े हो गए। और इसमें स्टॉक खेला शानदार, यहाँ पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन और घुमा दिया शॉट को, पीछे खिलाड़ी तैनात है जब तक फील्ड करते हैं गेंद, गेंद बाउंड्री के बाहर, चार रन, शानदार चौका मिस फील्ड करते हुए इसमें चार रन मिलेंगे। अब छह गेंदे मात्र सात रन जीतने के लिए टीम को जरूरी, तो ये मैच अब रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ, छह गेंदे सात रन अभी जीतने के लिए दौड़ना शुरू किया। गेंद अंपायर को क्रॉस किया, ये बॉल उठा दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, गेंद कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, छह रन, स्कोर लेवल करते हुए यहाँ पे शानदार मैच और स्कोर इसे पांच गेंदों में मात्र एक रन जीत के जरूरी। अभी शानदार छह गेंदों में सात रन की जरूरी, पहली गेंद में शानदार छक्का लगाया इस बीच बल्लेबाज रहमान ने, जिस कार्य के लिए भेजा था कप्तान ने वो कार्य करते हुए रहमान, मात्र पांच गेंदे बची है जीतने के लिए, एक रन जरूरी। अभी औपचारिकता बाकी है शायद इस मैच में, अभी छह विकेट गिरे, अभी अंपायर का इशारा, डॉट बॉल निकालते हुए इस बीच काफी दर्शक पहुंच रहे हैं यहाँ पे, काफी रोमांच मैच होगा। और इस बीच यहाँ पे मैच विजेता लीजिए साहब, जोहरपुरा की टीम ने मैच जीत लिया है, शानदार क्राउड नदीम धनोड़ी को हरा कर इस अगले प्लेस में किया, अगले राउंड में प्रवेश किया टीम ने, शानदार मैच खेला। रहमान खान ने चार गेंदों में 14 रन बनाए, शानदार 14 रन बनाए हैं, शानदार 14 रन बनाए चार गेंदों में। रहमान अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को जिताया है, आज जवाहरपुरा की टीम है इस मैच को जीतकर एक टेनिस स्टार बल्लेबाज की टीम को हरा कर आज उत्साहित करती हुई मैच है। देखिए किस प्रकार से जो क्राउड है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मैच का जो जैसन है, जीत का जो जैसन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो खुशी होती है मैच में वो आपको सामने दिखाई दे रही है, क्रिकेट के कितना उत्साहित होता है आज आपको देखने को मिला। जवाहरपुरा की टीम एक तरफा मैच में काफी रोमांच था, इसके बाद में टीम ने जीत की दर्ज की है और अच्छी बल्लेबाजी की बल्लेबाजों ने, एक बार ऐसा लग रहा था कि धनुर की टीम निकल जाएगी लेकिन कमबैक किया वापस इस मैच में और अपनी टीम को विजेता लगा के निकले हैं। देखने के लायक ही बनता इस मैच, क्या उत्साहित भरा हुआ मैच था, क्राउड काफी संख्या में पहुंचता हुआ यहाँ पे शेख अगले राउंड में क्रॉस किया रहमान ने, की शानदार बल्लेबाजी, उनको सम्मानित करते हुए रहमान को देखे, इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, रहमान ने उसको सम्मानित करते हुए साथी खिलाड़ी उत्साहित करते हुए। अच्छा ये एसएससी ग्राउंड जाबासर के बड़ी रोमांचक स्थिति में मुकाबला था और इस मैच को जीत लिया है जोहरपुरा।